नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शॉर्टी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। और आइए आज देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस जिससे कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला देखिए, हिंदी टाइपिंग से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी टंकन से। दूसरा एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा ट्रेडिशनल यानी कि इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रिंटर्स, और ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। और देखिए फिर देखिए टाइपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए क टाइप कर रहा है तो क्या टाइप कीजिएगा, अगर आपको राम टाइप करना है तो क्या टाइप कीजिएगा, तो इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। अब थ्योरी क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे कि अगर आपसे जैसे एग्जाम्पल पूछ दिया कि कृतुदेव, मंगल, कोसाला, ये तीनों में से कौन सा नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, तो आपको बताते चले कि कृतुदेव जो है वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। तो ये हो गया थ्योरी में। और भी क्वेश्चन है ऐसे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था। फिर एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आएंगे, फिर ट्रेडिशनल से क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम हर एक का सेक्शन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे उससे रिलेटेड। आइए देखते हैं, पहले देखिए टाइपिंग से देखते हैं हम लोग। तो कृतिदेव फॉन्ट में आपको टाइपिंग जानना है, वो है कौन सा, कृतिदेव 010 फॉन्ट। तो देखिए इसमें आपको जानना बेसिक क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क लिखना है जी तो कैसे लिखिएगा, ह लिखना है तो कैसे लिखिएगा, ये सब आपको डिपेंड करता है। तो देखिए अगर क लिखना है तो स्मॉल डी या शिफ्ट और कैप्स लॉक का फर्क पड़ेगा। कैप्स लॉक अगर दबा दीजिएगा तो ये डी स्मॉल डी हो जाएगा, तो क के लिए हो जाएगा स्मॉल डी। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये देखिए जब मैं बोलना चाह रहा था, कैपिटल डी लिखिएगा तो आधा का होगा, स्मॉल डी लिखिएगा तो पूरा का होगा। उसी तरह भी कैपिटल भी लिखिएगा तो ट होगा, स्मॉल भी लिखिएगा तो अ होगा। इस तरह से सारे आपको कीज इस तरह याद रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ आपको बताते चलें, ये होता है टॉप रो, ये होता है बॉटम रो, और ये बीच वाला जो होता है ये होता है होम रो। ठीक है, आपको याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह जैसे मैंने वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। ट को कृतिदेव फॉन्ट में टाइप कैसे करेंगे, तो अभी आपको बताया गया है, ऑप्शन देख लीजिए, जे, वी, सी या बी। तो अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पे है ना बी, यहाँ से आप ट टाइप कर रहे हैं। बस इसी तरह सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको। देखिए छोटा ऊ को कृतिदेव फॉन्ट में कैसे टाइप करेंगे, ए, बी, एन या एम, स्मॉल एम। तो देखिए कैपिटल एम स्मॉल एम बहुत फर्क पड़ता है, तो इसको आंसर होगा स्मॉल एम। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए स्मॉल एम, ये ना स्मॉल एम, क्योंकि ये तो छोटा हुआ गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंगल लेटर का था, अब दो लेटर का। अगर जल टाइप कर रहे हैं तो कैसे टाइप करेंगे जी, हाँ तो वो किस टाइप करेंगे, उसका आंसर देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग कीबोर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए हो गया स्मॉल टी से ज और स्मॉल वाई से ल, ज ल जल हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, टी वाई। ये अब देखिए पहले एक वर्ड का था सिर्फ ट था, अभी जल हो गया, फिर इसी तरह तीन वर्ड का हो गया जैसे पवन होगा, उसका आगे भी क्वेश्चन है लेंगे। अब देखिए इसको बेसिक तरीका जानेंगे कैसे, से ट को वी होता है, ठ को बी कैपिटल बी होता है, ड को कैपिटल एम होता है, ढ को ये सिंबल होता है, और न को डॉट स्मॉल के होता है। और देखिए ये अम या आ होता है ना, उसका आ है ये स्मॉल के, फिर उसका एफ का ये हर्षा ही है, ये एच स्मॉल एच का दीर्घ ही है। इसी तरह आपको याद रख करके अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए मान लीजिए टम या ट बनाना है तो ट का वी हो गया और अ का हो गया के, तो कैपिटल वी स्मॉल के करेंगे तो टमेटा हो जाएगा। देखिए फिर टी को करेंगे तो ट का तो वी होगा ही, और अगर हंसा ही करना है तो एफ होगा। तो देखिए एफ वी, इसी तरह से आप जिसे ये तो हर एक में सेम रहेगा, ये जो सेक्शन है ये हर एक में सेम रहेगा, आप खाली चेंज कहाँ करेंगे इसको, इसे ये पूरा ट वर्ग हो गया। उसी तरह क वर्ग, च वर्ग, छ वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, यहाँ सेट करते जाइएगा और आंसर आपको मिलते जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस मैंने बोला था दो वर्ड हो गया था, अब तीन वर्ड में देखिए,
पवन को कृतिदेव फॉन्ट में कैसे टाइप करेंगे पवन को? तो इसका आंसर होगा आई वो यू। कैसे होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए आई हुआ ना स्मॉल आई, प हो गया, ओ व और न, न को खोजना है, ये देखिए न है ना, तो प व और न, आई वो यू तीनों स्मॉल लेटर में होंगे। जितने जैसे मैंने देखा कि इसका आंसर होगा स्मॉल आई स्मॉल ओ स्मॉल यू, आई से होता है प, स्मॉल ओ से होता है व और स्मॉल यू से होता है न, तो प व न आई वो यू। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल फंक्शन आते हैं जैसे कि अल से लेकर के कुछ बना सकते हैं, शिफ्ट से लेकर कुछ बना सकते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको देख लीजिए। इसे एग्जांपल स्वरूप में देखते हैं, से अगर रू टाइप करना है रू तो अल्ट प्लस 035, सिर्फ शेयर टाइप करना है शेयर तो अल्ट प्लस 039, इसलिए दो टाइप करना है तो अल्ट प्लस 041, ए टाइप करना है तो अल्ट प्लस 044, उसी तरह कोई नंबर टाइप करना है देखिए 0 तो अल्ट प्लस 048 और 1 करना है तो अल्ट प्लस 049, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, अगर 9 टाइप करना है तो अल्ट प्लस 057। देखिए योर टाइप करना है तो अल्ट प्लस 059, ढोर टाइप करना है तो अल्ट प्लस 060, ये इसी तरह आपको मिलता जाएगा। फिर या एम या का जो अ होता है वो टाइप करना है तो अल्ट प्लस 065। अब देखते हैं नंबर को, अगर हिंदी जो पुराने वो डिनारिटी में भी लिखते थे हिंदी, उसको टाइप करना है तो कैसे टाइप करेंगे? देखिए ये एक है तो इसको कैसे टाइप करेंगे, अल्ट प्लस 0131, टू को टाइप करेंगे अल्ट प्लस 0132, इसी तरह बढ़ते आएंगे यहाँ तक, 9 को कैसे टाइप करेंगे अल्ट प्लस 013 और 0 को कैसे टाइप करेंगे अल्ट प्लस 0140। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, चंद्रबिंदु टाइप करना है तो अल्ट प्लस 016, त्र टाइप करना है जैसे पात्र में त्र त्र है ना, ये पात्र में ये त्र, तो ये कैसे करेंगे तो अल्ट प्लस 0165, बड़ा ऊ टाइप करना है तो अल्ट प्लस 0197, इसी तरह क्र टाइप करना है तो अल्ट प्लस 0216, इसी तरह कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ओम, ओम को कृतिदेव फॉन्ट में कैसे टाइप करेंगे तो आंसर होगा अल्ट प्लस 0172। फिर देखिए है को कृतिदेव फॉन्ट में कैसे टाइप करेंगे तो इसका आंसर होगा स्मॉल जी शिफ्ट प्लस एस। अब इसको देखिए हम लोग इसको जानेंगे कैसे, कीबोर्ड से तो एक तो आपको नंबर पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है, लेकिन इसको सीखेंगे कैसे, तो उसके सीखने के लिए आप कुछ नहीं, गूगल में जाइए लिखिए हिंदी फॉन्ट्स, वहाँ पे कृतिदेव 010 फॉन्ट होगा वेबसाइट खुलने पर, उसको आप डाउनलोड कीजिए इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप वर्ड में खोलिए और आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे मैंने बोला ना जी को टाइप करिएगा तो ह लिखाएगा, इसी तरह आप वहाँ पे टाइप करिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, यही एक तरीका है। आगे देखते हैं। अब आप मोबाइल में कैसे सीख सकते हैं, ये मोबाइल में भी सुविधा उपलब्ध है टाइप करने के लिए, तो कुछ नहीं आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे लिखिए कृतिदेव टू यूनिकोड, जी हाँ ये 1.4 MB का फाइल है, ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कुछ विंडो खुलेगा, आप यहाँ और आप इसको मोबाइल पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बचे दो सेक्शन MS ऑफिस और ट्रेडिशनल, इसका मैंने लिंक दे दिया है नीचे, आप उसे भी ज़रूर देखिए।